नहीं, इसकी स्टोरी जो है, ये जो मराठी स्कूल अभी इंग्लिश मीडियम के टक्कर में जो मराठी स्कूल जो बंद हो रहे उसके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, और इसकी स्टोरी मैंने सुनी है, और अभी जो पब्लिक के सामने जब आएगा तो इसमें सच में आपन भी कुछ मराठी स्कूल के कुछ ना कुछ करे, और मराठी स्कूल कैसे बचाया जाए इसके पीछे पूरे महाराष्ट्र के लोग जाएंगे, ऐसा 100% मुझे लग रहा है। तो सर आप किस तरह का आप इस बात के लिए एक्शन लेंगे, जैसे क्या जा रहा है कि 4000 स्कूल महाराष्ट्र में मराठी स्कूल, तो अगर रियल लाइफ में आप किस तरह का एक्शन लेना चाहेंगे? अब इसमें कैसा है, पहले से ही मेरी तरफ से, मैं सुहास खामकर, मराठी लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट स्टार्टिंग में दिया, उसकी वजह से मैं पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस में दे पाया। इसके लिए मेरा एक महाराष्ट्र के लिए और मराठी जनता के लिए एक मेरा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं मेरे माध्यम से मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं वही प्रचार करता हूँ कि हमारा जो मराठी भाषा है, मराठी भाषी में ही बात करें, मराठी भाषा अगर बचाना है तो हर जगह पे मराठी भाषा का, मतलब बोलते हैं ना कि उसकी पब्लिसिटी कैसे करें, तो इसके लिए मराठी स्कूल इन्हीं में से एक भाग हो गया कि हमारे बच्चे जो है वो मराठी स्कूल में पढ़े और आगे जाके उस मराठी भाषा का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, और मराठी स्कूल इसमें से बच पाएगा, और आगे जाके कुछ इसमें से हमारे बच्चे अगर आगे जाके इसमें से बड़ी कामगिरी करेगा तो मराठी स्कूल का भी उसमें से बड़ा नाम होगा। सर सदाशिव जी, इन्होंने इस रोल में एक्ट किया है, अभी इसमें क्या है, हमारे महाराष्ट्र की पब्लिक के लिए एक मैं इसमें कहना चाहूँगा कि उनको एक श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे जब उनका हम यहाँ पे आज ये मूवी देख पाएंगे, तो क्योंकि उनका जो मूवी है वो उनके लाइफ का लास्ट मूवी है, उनके श्रद्धांजलि हम ये देख के ही उनको दे पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। सर आपके स्पीकर्स के लिए आते हैं, फिर आप बस दस बार मिस्टर इंडिया भी आपने कैसे इतना फिटनेस में आपको कैसे रख लेते हैं सर, कुछ टिप्स अपने? अभी इसमें कैसा है, कोई टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए बोलते हैं वो पागल होना चाहिए, तो हमारे इंडस्ट्री में, मेरे फील्ड में मुझे बॉडी बिल्डिंग का पागल आदमी मुझे ऐसा बोला जाता है, क्योंकि हमारे फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल आज तक के करियर में बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यूसली जीत पाए हैं, और मेरे फील्ड में मैं लास्ट 18 ईयर से हूँ, और इसमें मैं 10 बार कंटिन्यूसली मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ, और मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया एक हिस्ट्री हो गई है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का पागल बोलते हैं, और इसके साथ साथ मुझे बॉडी बिल्डिंग का सचिन तेंदुलकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मैंने जीता है इसकी वजह से। और एक मैं पब्लिक के लिए बोलना चाहूँगा, अपना अगर करियर करना है तो फील्ड कौन सा भी हो उसमें कंटिन्यूसली अगर अपना सातत्य और पूरे लगन से उस फील्ड में काम करे तो 100% उसमें आपको यश मिलता ही है, और उसमें आप आगे जाके कुछ अलग हिस्ट्री कर पाते हैं, तो इसके लिए अपना टारगेट होना ज़रूरी है, और उसमें अपने पूरे लगन से काम करना चाहिए, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। सर आपको इतनी अचीवमेंट्स मिली है, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया, आपको कैसा फील होता है? अभी इसमें कैसा है, जब हमारा देश का तिरंगा जब हम हमारे देश के बाहर जाके जब लहराते हैं तो वो रोमांचकारी वो क्षण होता है। हमारे देश में हम खाली 26 जनवरी और 15 अगस्त की फ्लैग होस्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे गर्व है और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बाहर जाके मैंने अपना तिरंगा लहराया है, और वहाँ पे मैंने जाके वहाँ से अपने देश के लिए कुछ मेडल मैंने लाए और वो मैंने देश के लिए दे दिए, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.